हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि पोर्ट्रेट में हम लोग डिटेल कैसे ला सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, किसी किसी पोर्ट्रेट में डिटेल्स मतलब ऑर्नामेंट्स ये सब ज़्यादा होते हैं, तो हम उसे प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्लेन शेड से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक इसी तरह से आपको पूरे पेज को फिल कर देने हैं इस प्लेन शेड से, फिर आप कॉटन बर्ड्स या कॉटन से आप इसे ब्लर कर सकते हैं। हेयर में भी मैंने फर्स्ट स्टेप में प्लेन शेड का ही इस्तेमाल किया है, बस फेस से थोड़ा डार्कर शेड है वो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, कि जब भी मैं आंखों का स्टार्टिंग करता हूं, मैं पहले आंखों की लाइनिंग कर लेता हूं, फिर हर एक शेड के बाद उस लाइनिंग को ब्लेंड करने की कोशिश करता हूं, ताकि वो बैकग्राउंड से मैच कर जाए। इससे ज़्यादा शेडिंग में कंफर्टेबल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक इसी तरह से आप दूसरी आँखों में भी शेडिंग कर सकते हैं। आँखों की कैच लाइट का आप ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कम्प्लीट वाइट छोड़ना पड़ेगा, ताकि आँखें मोर अट्रैक्टिव लग सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने किसी भी फोटोग्राफ में देखा होगा कि कैच लाइट होता ही है, नहीं तो वो फोटोग्राफ ऐसा लगता है मानो वो डेड है, उसमें वो जान नहीं रहती। इसीलिए कैच लाइट को आपको ज़्यादातर से ध्यान रखना पड़ेगा। आंखें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी कोई व्यूअर आपके ड्राॅइंग को देखेगा, तो वो सबसे पहले उन पोर्ट्रेट में उन आँखों को देखता है और नज़र भी उन पर ही पहले जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आँखों में डिटेल्स हो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें, ताकि पोर्ट्रेट मोर अट्रैक्टिव लग सके। इस वीडियो में भी मैंने यही बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स, कि आँखें में डिटेल्स कैसे हम ला सकते हैं, जिससे पोर्ट्रेट कैसे मोर अट्रैक्टिव लग सकती है। और फ्रेंड्स, मैंने बैकग्राउंड में भी थोड़े डेप्थ दी हुई है और कॉटन बर्ड से उसे ब्लेंड करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं, आपको भी ये मेथड जरूर काम आएगा। आपने दूसरे ड्राइंग वीडियो में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉम्बो और भी बहुत सारे चीज़ हैं, और ऐसे इंडिया में ब्रांड है जो कि ऐसे ब्लेंडिंग टूल्स बनाते हैं। पर मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि ये सब की ज़रूरत हमें है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो कि आज के कंपेरिजन में बहुत ही ड्राॅइंग उनकी डेवलप थी, और उनका मुकाबला आज तक कोई कर नहीं पाया है। तो मे बी फ्रेंड्स, शायद हम लोग उनके ड्राइंग को फॉलो करें तो शायद हम उनके टेक्निक को समझ सकते हैं, शायद हम लोग उनके ड्राइंग को कर सकें एक दिन। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया था, पर फ्रेंड्स मुझे ये बात बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई, मेरे पास आर्ट मटेरियल्स नहीं है। फ्रेंड्स, आर्ट मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉमन HB पेंसिल से भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, अगर आप में टैलेंट है तो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताने वाला था आज ज्वेलरी के डिटेल्स के बारे में, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग में ज्वेलरी बनाते हैं, तो आप याद रखें कि उसके आसपास के बैकग्राउंड को आप डार्क कर लें और उसकी लाइनिंग करें और उसे फिर ब्लेंड करें। ये प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए। लाइटर सेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कहीं वो हर जगह नहीं होती फ्रेंड्स, पर इन सम केस होती हैं कहीं कहीं। फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स मैं पहले भी दूसरी वीडियो में दे चुका हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा हूँ आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें अब कुछ डिटेल्स बताने लायक हैं। और भी किसी किसी में एक्सेप्शन केस होती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। बाकी के पोर्ट्रेट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। होप फ्रेंड्स आपको वीडियो से मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी फ्रेंड्स, तो कीप इन टच विथ माई चैनल एंड आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो। Okay friends, thanks for watching this video. For any details, please check the description box. And friends, don't forget to like and subscribe. Thank you.